आज हम देख आप सबको दिखाना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिशियन का क्लासेस है ना सर। इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग में आज क्या ट्रेनिंग हुआ? तो ये मशीन है और इस मशीन का नाम क्या है सर? ऑटोमेटिक डबल चेंज ओवर स्विच। ऑटोमेटिक डबल चेंज ओवर स्विच है ना, ऑटोमेटिक डबल चेंज ओवर स्विच ये मशीन है दोस्तों। और इसका खासियत क्या है, इसका काम क्या है, यूज़ कहाँ होता है सर? यूज ये एसी लाइन में होता है। एसी लाइन में होता है जहाँ डबल फेस का हम लोग यूज करते हैं। ओके सर, यानी डबल लाइन का यूज करते हैं जी। तो ये ऑटोमेटिक उसको चेंज करके आपको आउटपुट में एक लाइन देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे जी। इसमें इनपुट के लिए हम लोग अलग अलग फेस का एक में इनपुट दिए, एक न्यूट्रल जी और एक में लाइन देते हैं। ओके सर, और दूसरा में फिर हम लोग एक में न्यूट्रल और एक में लाइन देते हैं जी। और आउटपुट में हम लोग एक न्यूट्रल और लाइन निकालते हैं। ओके सर, यानी डबल लाइन जहाँ पे यूज करना हो जी। कभी कभी ये लाइन कट जाता है, हाँ, तो ये लाइन रहता है। ओके, कभी कभी ये लाइन रहता है, ये लाइन कट जाता है। ओके, लेकिन आउटपुट में हम लोग कंटिन्यू लाइन बना रहे। अच्छा अच्छा, इसीलिए इस मशीन को यूज करते हैं। हाँ, और हम लोगों का हाथ से कोई स्विच नहीं ऑपरेट करना पड़े, हाँ, ऑटोमेटिक रूप से काम करने लगे, हाँ, इसी के लिए हम लोग ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा सर, इसमें जब प्रॉब्लम होता है कस्टमर को, जब ये खराब होता है, आखिर इसमें क्या क्या खराब होने का संभावना रहता है और क्यों? एक रिले का ही ज़्यादातर फंक्शन रहता है, इस रिले में ही सारा चीज़ कंट्रोलिंग होता है। ओके सर, रिले का कभी कॉइल कट सकता है जी। और इसको चलाने के लिए हम लोग डीसी वोल्ट का जरूरत पड़ता है। ओके सर, इसके वजह से हम लोग एक 12012 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं जी। वहाँ से एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इसके लिए डायोड कैपेसिटर का यूज करते हैं। डायोड और कैपेसिटर कौन है सर? ये डायोड है जी, और ये कैपेसिटर हम लोग 12 वोल्ट का यूज करते हैं जी। लेकिन ये 25 वोल्ट हम लोग का ज़्यादातर का लगाया जाता है। इसमें 25 वोल्ट, लेकिन हम लोग का ये 12 वोल्ट आउटपुट डीसी, प्योर डीसी के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर। ओके सर, और फिर हम लोग इस कैपेसिटर से डीसी वोल्ट रिले कॉइल में देते हैं जी, जिससे ये कॉइल ऑपरेट हो जाता है जी और अपने आप ये चेंज होने लगता है। ओके, इसमें ज़्यादातर खराब होने वाला भाग है हाँ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर जो कि हम लोग यूज करते हैं जी, एसी वोल्ट को स्टेप डाउन करने के लिए, यानी 12 वोल्ट यूज करने के लिए, हाँ, एसी वोल्ट 220 वोल्ट हम लोग देते हैं डायरेक्ट, हाँ, और आउटपुट में हम लोग 12 वोल्ट आउटपुट करते हैं एसी, हाँ, उस एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करते हैं डायोड के जरिए, हाँ, फिर कैपेसिटर के जरिए उसको फिल्टर करते हैं, हाँ, और प्योर डीसी कॉइल को देते हैं, जैसे ये रिले कॉइल ऑपरेट हो जाता है जी और ये वर्क करने लगता है। ओके सर, इसमें दो तरह का एलईडी लगाते हैं हम लोग जी, जिससे हम लोगों को पता चल जाए कौन सा लाइट अभी है, एक ग्रीन और एक रेड। आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रेड और ग्रीन का ही यूज करते हैं। रेड लाइन के लिए, हाँ, एक यूज करते हैं, हाँ, मान लीजिए इस लाइन के लिए, इनके लिए रेड यूज किए, ठीक है, और इसके लिए ग्रीन यूज। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे हमको ये पता चलता है कौन फेज हमारा, हाँ, चालू है। ओके, कौन सा फेज हम लोग का चालू है, हाँ। इसका यूज हम लोग डबल लाइन के लिए करते हैं, हाँ, कभी कभी डबल फेज नहीं हो तो फिर एक जनरेटर के लिए और, हाँ, एक एसी लाइन के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए अभी तो हम लोग चालू करके देखेंगे कि काम कैसे करता है। ओके सर, जब भी हम लोग को चालू करना हो तो हम सबसे बेहतर तरीका सीरीज टेस्ट लैंप से ही इसको पहले चालू करें। सीरीज टेस्ट लैंप, अच्छा अच्छा, वो कैसे होगा सर? टेस्ट लैंप हम लोग यहाँ यूज करेंगे जी। सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में क्लास में बताया गया, अगले क्लास में जी, समझे? तो आज हम इसी डायरेक्टली चेक करने के लिए बताएंगे सीरीज टेस्ट लैंप में चेक कैसे। ओके ओके, तो ये सीरीज टेस्ट लैंप दे दिए जी। अब हम लोग कनेक्शन सही है कि नहीं हम चेक करेंगे जी, कि सीरीज टेस्ट लैंप बल्ब जल रहा है, मतलब मैंने कनेक्शन सही है। अब हम लोग चेक करेंगे, तो इनपुट देंगे इस जगह पे, जैसे इनपुट देंगे रिले जो अपना काम करना शुरू। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड सर, हाँ फिर से दीजिए सर। जैसे हम लोग यहाँ पे दिए रिले, हाँ, अपना काम शुरू कर दिया। ओके, अब हम लोग दूसरे में फिर हम लोग यहाँ पे एसी देंगे, हाँ, तो ये ऑटो एक साइड से रिले काम करेगा, एक साइड से काम नहीं करेगा, समझे? अच्छा अच्छा, ये देखिए ऑटोमेटिक चेंजिंग हो। ओके ओके ओके, और एक में मैनुअल रहेगा। ओके सर, ओके चलिए।
इस मशीन का नाम क्या है फिर से बता दीजिए सर। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का ट्रेनिंग आज हुआ है ना सर। ये डायग्राम बना किस चीज़ का बनाया सर? ये हम लोग जब एक मैनुअल चेंजर के लिए बनाए जो कि ऑटोमेटिक नहीं काम करता, वो हाथ से चेंजिंग करना पड़ता जी, डबल लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम लोग मैनुअल चेंजर का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, एसी लाइन हम लोग नीचे से न्यूट्रल लाइन और लाइन, दूसरा हम लोग इनपुट भी है न्यूट्रल और लाइन का। ओके, और आउटपुट में हम लोग एक निकाले न्यूट्रल लाइन। ओके, ये हम लोग बार बार चेंज करना पड़ता है जी। जब हम लोग का इधर का लाइन हो तो ये एलईडी जलता है, तो हम लोग पता कर लेते हैं इस साइड का लाइन है जी, तो हम लोग चेंज स्विच को ऊपर कर देते हैं। हाँ, जब नीचे का लाइन है तो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, फिर हम लोग को पता चलता है कि अब इस साइड का लाइन है, तो चेंज को ओके okay, सर। ये हो गया हमारा ये जब लाइट जाएगा तो हमको हाथ से जा करके चेंज करना पड़ेगा है ना सर जी। और ये जो मशीन हो गया ये ऑटोमेटिक हो गया, ये ऑटोमेटिक जी। ओके सर, चलिए दोस्तों ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग यदि आपको चाहिए तो आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं और फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे।